गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे। तो हम चलते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करते हैं। जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन कर लिया जाता है तो हम इंसर्ट टैब है। अभी इसके पहले लेसन में हमने समझा था होम टैब के बारे में, अब हम इंसर्ट टैब पर आते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें कुछ मेटा टाइप कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला है कवर पेज। दोस्तों अगर हमें कवर का पेज अगर बनाना है तो हम कवर पेज पर जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे कवर पेज के कुछ टेम्पलेट आ रहे हैं, हम उनमें से क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। जैसे ये कवर पेज बनाना है, यहाँ हमें कोई डेट डालना है, डेट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अगर हमें इसका टाइटल देना है, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यहाँ हमें कंपनी का नेम देना है, जैसे कि जैसे हमें कोई कंपनी का नेम दे दिया है। और यहाँ हमें सबटाइटल डालना है, माना जाए तो यहाँ हम सबटाइटल टाइप कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे हमारा कवर पेज हो गया। नेक्स्ट ए हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट मैटर, यानी कोई बुक्स बनाते हैं कवर पेज लगाना तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो दोस्तों यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं कवर पेज को। अब नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, जैसे हम यहाँ ब्लैंक का प्रयोग होता है, ब्लैंक जैसे हमें इसके बाद या इसके पहले ब्लैंक पेज लेना है तो हमें यहाँ या इस मैटर के बाद और इस मैटर के और इस मैटर के पहले, यानी इस मैटर के पहले हमें यहाँ ब्लैंक पेज लेना है। तो हम ब्लैंक पेज पर जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमारा एक ऊपर नीचे करके देख लेंगे, एक ब्लैंक पेज आ गया है। यहाँ से हमारा ब्रेक हो गया और यहाँ ब्लैंक एक पेज, यानी ब्लैंक का मतलब एक पूरा पेज खाली आ जाता है। अगर नहीं लेना है हमें ब्लैंक पेज तो हम इसको यहाँ कर्सर रख के जहाँ से हमें लिया था डिलीट कर देंगे तो हमारा मैटर जगता आ जाएगा, पेज ब्रेक। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको इसके बीच में एक पेज नहीं लेना है लेकिन आपको इस मैटर को दूसरे पेज पर लिखना है, यानी कि या इस मैटर जो नीचे लिखा है इसको दूसरे पेज पर लिखना है, तो आप यहाँ क्लिक करके आप पेज ब्रेक पर क्लिक कर दें, दूसरे पेज पर आ गए। दोस्तों दोनों चीज़ों से हमें समझ में ये आता है कि अगर आगे कर्सर हो आप पेज ब्रेक का प्रयोग कर लें तो आगे पेज आ जाएगा, और अगर आपके लिखे हुए के जस्ट पीछे कर्सर हो और आप यहाँ पेज ब्रेक का प्रयोग करेंगे तो पीछे पेज आ जाएगा। जब भी आपको भविष्य में जरूरत पड़ता है तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों टेबल। टेबल का प्रयोग से हम अपने पेज में टेबल बना सकते हैं। जैसे हम टेबल बनाना चाहेंगे जो भी प्रकार से, जैसे यहाँ आपका एक कॉलम, वन कॉलम, और इसके बाद हम दो तीन कॉलम, जो आप देख रहे होंगे यहाँ आपके 10 कॉलम लिख जाते हैं, 10 कॉलम और हमें 6 रो, हमने क्लिक कर दिया दोस्तों, ये बन के आ गया है। आप चाहें तो यहाँ से आप टेबल को बड़ा छोटा कर सकते हैं, बड़े आराम से जाके यहाँ से आप टेबल के जो रो है लोग को छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों रो इसके इसे बोलते हैं, कॉलम इसे बोलते हैं। इसके बाद यहाँ कॉलम को अगर छोटा बड़ा करना है दोस्तों, तो इस तरीके से हम कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर हमें टेबल को उठा के रखना है दोस्तों, उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं। अगर हमें कुछ लिखना है तो हम लिख भी सकते हैं, टेबल में क्लिक करके लिखते जाते हैं। अगर हमें यहाँ से और भी रो बढ़ाना है तो कैपिटल दबा के हम बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम इसको डिलीट करना है दोस्तों तो डिलीट भी कर सकते हैं आप। यहाँ से बैक स्पेस, जैसे हम बैक स्पेस दबा लेंगे, बैक स्पेस दबा के हम डिलीट कर सकते हैं, वापस लाने कंट्रोल जेड के द्वारा हम वापस ला सकते हैं। दोस्तों जैसे हम टेबल बनाया था तो एक डिज़ाइन बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ से हम डिज़ाइन चेंज कर लेंगे जो भी डिज़ाइन में हमें टेबल करना है। तो बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आप जिस डिज़ाइन में लिखना बनाना चाहें उस डिज़ाइन में आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से शेडिंग कलर दिया है, आप शेडिंग कलर भी भर सकते हैं इस टेबल में, जैसे आप टेबल में शेडिंग कलर भरना चाहें शेडिंग कलर भी भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से बॉर्डर दिया है, आप बॉर्डर भी बनाना चाहें, जैसे आपको कोई कलर में करना है बॉर्डर, दोस्तों बॉर्डर पे क्लिक करने से देखो उस बॉर्डर में हो गया है। दोस्तों अगर आपको अपनी तरफ से पेंसिल के द्वारा बनाना है तो ड्रा टेबल के द्वारा आप और बीच में टेबल जोड़ सकते हैं, जैसे आपने यहाँ ये जोड़ दिया है, यहाँ जुड़ गए ना दोस्तों। अगर आपको यहाँ रो जोड़ना है यहाँ से, ये रो भी जुड़ गई है। दोस्तों अगर हटाना है तो इरेज पर जाके आप इसको हटा भी सकते हैं, जो भी कॉलम से आपको बॉर्डर या रो या कॉलम हटाना है तो हटा सकते हैं, कोई टेबल हटाना है कोई टेबल भी हटा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप टेबल समझ गए होंगे, चार्ट बनाना।
अगर आपको लगता है आपके कुछ माइंड में यही क्वेश्चन है कि यहाँ तो 10 गुणे 8 यानी 10 कॉलम और 8 ही रो आ रही है, हमें ज़्यादा बनानी है, तो उसके लिए आपको इंसर्ट टेबल पर जाना होगा। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम की संख्या यानी कि आपको कॉलम बनाना है, मान लीजिए कॉलम आपको 8 बनाना है लेकिन रो आपको 20 बनाना है, तो आप यहाँ 20 डालें और ओके कर दें, आपके सामने 20 8 कॉलम और 20 रो आ चुकी है। तो दोस्तों फिर से हम यहाँ जाएंगे टेबल पर, एक है ड्रा टेबल, ड्रा टेबल के द्वारा भी आप टेबल बना सकते हैं, इस तरीके से आप टेबल का प्रयोग कर सकते हैं, टेबल जाएंगे इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, इस तरीके से ड्रा टेबल सबसे बेस्ट लगता है, आप जैसा भी टेबल बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। अगर दोस्तों ये गलत भी हो जाए तो आप इरेज पर जाके यहाँ से आप इरेज भी कर सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है आप समझ गए टेबल, चलिए आगे बढ़ते हैं पिक्चर। दोस्तों इसके द्वारा हम पिक्चर ले सकते हैं, पिक्चर लेने के लिए हमें पिक्चर पे जाना है, हमारे डी ड्राइव में पिक्चर सारा डला हुआ है, हम फोटोज को खोलेंगे, इसमें बहुत सारा फोटोज है, हम क्लिक करके ओपन ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद जैसे हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से पिक्चर को छोटा बड़ा इस साइड से, इसको हम इस साइड से कर सकते हैं, इसको इस साइड से कर सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करके इन फ्रंट पर क्लिक करके कोई भी ऑप्शन क्लिक करके कहीं उठा के रख सकते हैं दोस्तों, कभी ना उठे फोटो। हाँ ध्यान, एक ध्यान रखना है, अगर फॉर्मेट नहीं आ रहा तो समझ जाइए, यहाँ फॉर्मेट टैब नहीं आ रहा है तो आप समझ जाएंगे यहाँ अभी फ़ोटो का ये खुला नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस फोटो को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पर जाना है, अगर होम टैब भी ऐसे खुला हो तो फॉर्म पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं किसी पर भी, ठीक है दोस्तों। तो ये पिक्चर को आपको समझ में आ गया, पिक्चर को घुमाना, पिक्चर को ऐसे घुमा सकते हैं हम, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं,